लेकिन जी बारिश शुरू हो गई है। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग है हमारा अगेन एक पार्टी का ही कह लें, PSA कलोन में। तो कलोन बोन के बहुत करीब है, तो कलोन बोन रीजन सेम ही आ जाता है। तो ये जस्ट इधर से 15-20 मिनट की दूरी पे है कलोन। तो कलोन जाना है, वहाँ कुछ दोस्तों ने इन्वाइट किया, तो वहाँ बारबेक्यू पार्टी है, ठीक है। तो अभी डोम से निकला हूँ रेडी होके, तो लेट हो रहा हूँ, तो जल्दी में जाना पड़ेगा। और रास्ते में ये एक ड्रोन मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ोन से, जिसकी क्वालिटी जो है ना वो इतनी अच्छी है। ये रिटर्न करता हूँ, देन ट्राम लूँगा मैं, इधर से ट्राम लूँगा, ट्राम ड्रैक मुझे पहुँचा देगी उस लोकेशन पे जहाँ मैंने जाना है। तो वो कलोन का एक एरिया है, वहाँ मैंने जाना है, तो वहाँ पहुँच के बाकी वो लोग कंटिन्यू करेंगे। तो स्टे पे आया हूँ पहुँच। तो आप सोच रहे होंगे कि बैग मैंने क्यों पहना हुआ है, तो बैग इसलिए पहना हुआ है कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, जिसे बूंदाबांदी कहते हैं, कैट्स एंड डोर। तो एक तो मैंने छाता रखा है, यानी कि अम्ब्रेला बैग में, और एक जैकेट रखी है। मौसम के इधर कोई पता नहीं होता, एक तो रेन का कोई पता नहीं होता, और दूसरा टेम्परेचर का भी कोई पता नहीं होता। टेम्परेचर भी लाइक कोल्ड हो जाता है विद इन मिनट्स। तो एनी हाउ इसलिए मैंने बैग पहना है, क्योंकि जैकेट है उसमें, तो अगर ठंड होती है तो वो फिर पहन सकूँ। तो बाकी जाके पहुँच के पहनता हूँ देखने। देखें जी बारिश शुरू हो गई है, अभी मैं स्टेशन पे उतरा हूँ तो बारिश नहीं थी इतनी, तो अब तेज़ हो गई है थोड़ी। अब छाते का इस्तेमाल शुरू हो गया जो कि मैंने बैग में रखा हुआ था, मैं मुझे था कि खैर अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन पहले हो गई थी, अब फिर स्लो हो गई है। तो वेदर की कंडीशन इधर ऐसी ही रहती है। तो बिलावल भाई हमारे साथ हैं, तो ये पी है जुबैर भाई हैं। बेसिकली ये कलोन में इवेंट हो रहा है, गैदरिंग हो रही है, ठीक है। हम वो भी सब पीछे से हाई फाई दे रहे हैं। तो ये छोटी सी गैदरिंग है, हर ईद पे ये गैदरिंग होती है और उमैर भाई करते हैं। तो ये PSA कलोन का इवेंट है बेसिकली। तो बिलावल भाई आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं जी। आज ये हम लोग सब इकट्ठे हैं, माशाल्लाह पाकिस्तानी भाई इकट्ठे हैं, और हम लोग हैं यहाँ पे माशाल्लाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हैं, और हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, और उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है। कोई हमारे भाई IT के हैं, कोई फिज़िक्स के हैं, और मैं जैसे सिविल इंजीनियर हूँ। यहाँ पे मैं आपको कुछ लड़के, जैसे ये हमारा दोस्त है अफान, द मोस्ट हार्ड वर्किंग गाय है। देखें टाइम नहीं भाई, आप लोग के अंदर आ रहे हैं, लेकिन देखें फिर भी वो मेहनत इतना फोकस्ड हैं कि काम को नहीं छोड़ेंगे, बेशक ब्लॉग में आ रहे हैं। और ये हमारे लीडर हैं उमैर भाई,
बहुत माशाल्लाह अच्छा इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया और ये सब उमर भाई की बदौलत ही होता है। दो, ये सब कुछ दो दिन ही वॉज उन्होंने मैरिनेट किया, चावल बनाए, एकदम हम सबको इकट्ठा किया। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर उमर, उमर ही इज फ्रॉम कराची। और बिलावल भाई को जर्मनी में कितनी देर हो गई और कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा मैं जर्मनी में अगस्त 2021 में आया था और अच्छा एक्सपीरियंस है हर लिहाज से। मतलब कि मैं आया था मास्टर थीसिस लिखने के लिए, मैंने मास्टर थीसिस किया, उसके बाद फिर मैंने लैंग्वेज सीखी, फिर मैं जॉब कर रहा हूँ और अब थोड़ा से कुछ आगे भी स्टेप्स लिए हैं। मास्टर आपने इधर से किया था या पाकिस्तान से? ड्रेसडन, नहीं नहीं, मेरा मास्टर्स था मास्टर इन सिविल कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट मैनेजमेंट और ये लिटलैंड और जर्मनी के में था। जी गुड गुड, हाँ जी। तो ये एक और हमारे भाई हैं माशाल्लाह, ये देखें, ये कराची से इनका ताल्लुक है। ही हैज़ इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड बट ही वर्क्स इन आईटी। ऐसा लम्हा था जब आपने सोचा कि मैं अपनी ट्रांजिशन करता हूँ? अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थोड़ी कम है आईटी के अलावा, तो इसकी वजह से मुझे पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि आईटी के अंदर ज़्यादा स्कोप है, मैं आईटी में। तो कौन सी फील्ड में आप करना चाहिए? मैं अभी काम कर रहा हूँ डेवऑप्स में, डेवऑप्स और क्लाउड साइड ऑफ थिंग्स के अंदर मैं इन्वॉल्व। सही है, तो आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी नहीं था इधर आके? लाइक इधर आके किया, तो आपने कोर्सेज किए थे? कोर्सेज किए थे मैंने यूडेमी वगैरह से, यूडेमी यूट्यूब से। तो इनिशियली आपको लाइक एक स्टूडेंट माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट हैं, यूडेमी यूट्यूब से, सेल्फ मोटिवेशन से इन्होंने की और माशाल्लाह जॉब हासिल की। नहीं नहीं ज्यादा नहीं, आई हैव रिस्पेक्ट, मैंने आपको पहले भी कहा रिस्पेक्ट बहुत बहुत बड़ी चीज है, ऐसे हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, एक आप फील्ड अपनी चेंज कर रहे हैं, स्विच करके माशाल्लाह आपने। अभी आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं फुल टाइम? नहीं अभी मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूं, स्टडीज मेरी कंप्लीट हो गई हैं। लाइक अभी भाई ब्लू कार्ड पे शिफ्ट हो गए, राइट? जी जी। तो अभी जल्द इंशाल्लाह पीआर मिल जाएगी भाई को। आगे के गोल्स गोल्स सेट है, सेट है। तो बेस्ट ऑफ लक भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा इधर का मौसम? अच्छा एंजॉय हो रहा है? बहुत अच्छा है, अच्छा बारबेक्यू का प्लान है यहाँ पे और गैदरिंग का एक मौका मिल जाता है। वैसे भी यहाँ बकरीद के ऊपर कुर्बानी वगैरह तो होती नहीं है, तो यही है कि यहाँ पे वो है कि सोशल गैदरिंग, ईद का डिनर होता है, ईद का डिनर हो जाता है। बारबेक्यू फिनिश हो गया एंड वी आर प्लानिंग टू गो होम। आई एम स्पेशल थैंकफुल टू उमर भाई जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया और PSI कलोन को बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं उमर भाई। तो उमर भाई कोई मोटिवेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कलोन आना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया वसीम भाई, और क्योंकि अभी हमारा इवेंट इख्तिताम पे पहुंच रहा है, मेरी सिर्फ मेहनत नहीं है, लुकमान भाई हैं, अरीब भाई हैं, वहीद भाई हैं, गालिब भाई हैं, जितने भी सारे लड़के, हमजा, अफान, जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ये वसीम भाई हैं, हसन भाई हैं, इन सब ने बड़ी मेहनत करवाई है। और दूसरा ये कि इस तरह के इवेंट्स दयारे मुल्क में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक दूसरे की फैमिली हैं और जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनको अगर क्लोन में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के हवाले से या अकोमोडेशन के हवाले से कोई मसाइल पेश हैं तो उनको हम अपना फेसबुक पेज और ग्रुप PSI क्लोन के नाम से उधर हमें वो अप्रोच कर सकते हैं, उधर हम सब उनकी हेल्प करेंगे। बाकी यह है कि खुश रहिए और खुश रहने दीजिए, स्टे मोटिवेटेड, वर्क हार्ड और हमेशा प्रोग्रेस करते रहें।